स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर पे ऑलरेडी थर्ड चैप्टर पे मैंने 15 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 15th लेक्चर तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सा लेक्चर है? ये 16th लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पूरे डिटेल में हमने अच्छे से इसको पढ़ा है, कुछ भी चीजें स्किप हमने नहीं की है, ठीक है। क्लियर ही बात। नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके ले सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस रहता है नोट्स का, ठीक है, या तो आप मुझसे ले सकते हैं। और जो बच्चे वो भी नहीं करना चाहते कि सर हमें दिक्कत है, तो वो इससे भी बना सकते हैं, वीडियो से देख देख के भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि सेम जो मेरे नोट्स हैं वही मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख के फिर उसे समझाता हूँ, ठीक है। क्लियर ये बात। चलिए तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, 16th वीडियो एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। देखिए अब एक लास्ट टॉपिक इसमें अपना रह रहा है। क्या रह रहा है? प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट की जो लाइफ साइकिल रहती है ना, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो सिंपल नहीं है, ठीक है। तो प्लांट लाइफ साइकिल हम देखेंगे और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे। जनरेशन का क्या अल्टरनेशन है, ठीक है। अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है? स्विच होना, मतलब जल्दी जल्दी, जैसे ये मार्कर है तो ये इस हाथ में आया, फिर इस हाथ में आया, फिर इस हाथ में आया, ठीक है। तो स्विच होना मतलब बदलना, फटाफट बदलना किसी चीज का, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो है, ठीक है। तो क्या चीजें बदल रही है वो सारी बातें हम समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। देखो प्लांट्स में क्या होता है, दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस से, ठीक है। हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करता है, डिप्लॉइड सेल भी। हैप्लॉइड क्या होता है? एंड। डिप्लॉइड क्या होता है? टू एंड, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के सेल जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवीजन माइटोसिस से होता है क्योंकि मियोसिस से तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, आधे हो जाते हैं उसमें। तो दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। दिस एबिलिटी, ये एबिलिटी जो है लीड्स करती है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। और इससे डिफरेंट प्लांट बॉडी बनती है, हैप्लॉइड भी बनते हैं और डिप्लॉइड भी बनते हैं, ठीक है। माइटोसिस तो होगा ही होगा भैया, ठीक है। माइटोसिस से फिर क्या बनेगा? हैप्लॉइड बॉडी बन सकती है या डिप्लॉइड बॉडी भी बन सकती है, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, अब पहले हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों बन सकते हैं ना, पहले हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस, ठीक है। देखो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहेगा उसमें माइटोसिस होगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे और फिर उससे कई सारे सेल बनेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा? माइटोसिस से मतलब गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट, और ये प्लांट बॉडी और जो प्लांट बॉडी बनेगी वो रिप्रेजेंट करता है किसको? गैमेटोफाइट को, मतलब गैमेट ही है वो, ठीक है। क्लियर ये बात। चलिए फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जायगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, ठीक है, जायगोट बना तो जायगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। जायगोट में भी क्या होगा? माइटोसिस होगा, ठीक है। एक सेल से दो सेल, तीन सेल, चार सेल, इस तरीके से कई सेल बनेंगे, एक सेल से चार सेल बनेंगे। और माइटोसिस मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ठीक है। तो जायगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड। जायगोट से कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। देखो हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों मिला, ठीक है, तो क्या बना? डिप्लॉइड बना, ठीक है। एन एन मिल गया तो 2n बन गया ना, वो वाली चीज है, ठीक है। तो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। अरे समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ, ठीक है। देखो मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ, कहानी क्या है सबसे पहले ये समझ लेना भैया। जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आया तो वो थोड़ा सा ऐसे चुल्लू भर पानी लें, थोड़ा सा ऐसे हथेली में, और उस चुल्लू भर पानी में डूब मत, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अगर आपको डिप्लॉयड हैप्लॉयड नहीं पता है, डिप्लॉयड क्या होता है, हैप्लॉयड क्या होता है, तो पूरी दिक्कत हो जाएगी आपको आगे, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में कई बार आई ये चीजें। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्रोमोसोम्स नंबर है 10, टोटल इसके सेल में कितने क्रोमोसोम है? 10, ठीक है। तो इससे अगर एक और सेल बना और उसमें भी क्रोमोसोम के नंबर 10 ही रहे, तो ये कैसा डिवीजन हुआ? माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस में कैसी बॉडी बनती? डिप्लॉइड बनती है, ठीक है। हैप्लॉइड क्या होता है? दूसरा एक ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 10 है, इससे एक और सेल बना, ठीक है, लेकिन इस सेल में, ये इस ऑर्गेनिज्म के सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 5। तो अब ये हो गया हैप्लॉइड डिवीजन, ठीक है। ये कैसी बॉडी बनी, हैप्लॉइड बनी, और ये कैसा डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब माइनस हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात, समझ चुके होंगे आप इसे। अब इस सेंटेंस को हम दोबारा पढ़ते हैं, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जायगोट आल्सो प्रोड्यूस, द जायगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट भी डिवाइड होगा, माइटोसिस करेगा, टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ताकि वो एक स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बना सके, और वो कैसी रहेगी, डिप्लॉयड रहेगी, ठीक है, क्लियर है बात। हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, ठीक है। अब ये जो प्लांट बॉडी बनी ना, ये हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगी, ये खुद तो डिप्लॉयड है ना प्लांट बॉडी, लेकिन इससे जो ये स्पोर्स बनाएगी ना, वो रिडक्शनल डिवीजन करके मियोसिस से हैप्लॉयड बनाएगी, तभी तो इसका स्पोर और इसका स्पोर मिलेगा और फिर वापस से डिप्लॉयड बनेगा, ठीक है, क्लियर है बात। मतलब ये खुद तो डिप्लॉयड है, लेकिन इसके जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉयड होंगे, ठीक है। दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वंस अगेन, दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस, अब इसके बाद ये फिर डिवाइड करेंगे टू फॉर्म अ हैप्लॉयड प्लांट बॉडी, ठीक है। देखो सिंपल सी बात क्या है, देखो ये जो है ना, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ये डिप्लॉयड है, अब इससे बना हैप्लॉयड, अब ये हैप्लॉयड्स भी डिवाइड करेगा और माइटोसिस ही करेगा, तो इससे भी कैसी प्लांट बॉडी बनेगी, हैप्लॉयड ही बनेगी, ठीक है, क्लियर ये बात, समझ पा रहे हो। दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉयड प्लांट बॉडी वंस अगेन, ठीक है। दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म, किसी भी एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ साइकिल के दौरान क्या होता है, देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट्स प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, ठीक है। किसी भी एंजियोस्पर्म या किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट्स, बिटवीन गैमेट्स, गैमेट्स के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, कभी हैप्लॉयड बन रहा है, कभी डिप्लॉयड बन रहा है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बना था, एंड स्पोर्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, और स्पोर फिर कैसे बना रहा है, डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बना रहा है, ठीक है। देखो बहुत पेचीदा है ये, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट था, वो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बना रहा है, फिर उससे आगे क्या बन रहा है, स्पोर से डिप्लॉयड बन रहा है, ठीक है। तो वही चीज बताइए कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बन गए, गैमेट्स बन गए, अब इससे स्पोर जो होंगे, उसके स्पोर जो होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ठीक है, क्लियर है बात, ये इस तरीके से। अब इसमें तीन स्टेप्स हैं, तीन साइकिल हैं अलग अलग, तो तीनों साइकिल को एक एक करके अब हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, कि फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जो साइकिल है वो क्या है, ठीक है। हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग पैटर्न हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पैटर्न जो है वो है ये, ठीक है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल जायगोट, स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होती है वो हमेशा रिप्रेजेंट होती है बाय वन सेल जायगोट, एक सेल जायगोट से स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, और इसमें कभी भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होते हैं, ठीक है, बस एक ही होता है जो कि वन सेल जायगोट होता है, ठीक है, फ्री लिविंग कभी भी इसमें स्पोरोफाइट नहीं होते हैं, ठीक है। मियोसिस इन द जायगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर, अब जायगोट में क्या होता है, जायगोट में होता है मियोसिस, ठीक है, तो मियोसिस होगा तो रिडक्शनल डिवीजन होगा, हैप्लॉयड बनेंगे, ठीक है। मियोसिस इन द जायगोट, जायगोट कैसा था, डिप्लॉयड था, इसमें हैप्लॉयड बनेंगे। अब मियोसिस इन द जायगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड स्पोर्स, हैप्लॉयड स्पोर्स बन गए, द हैप्लॉयड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली, अब हैप्लॉयड स्पोर्स माइटोटिकली डिवाइड करेंगे एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट, और फिर गैमेटोफाइट बना लेंगे, ठीक है। The haploid spores divide mitotically. Haploid spores mitotically divide करेंगे और फिर बनाएंगे gametophyte. ठीक है, clear है यहाँ तक। The dominant photosynthetic phase, dominant जो photosynthetic phase होगा,
इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, डोमिनेंट जो फेज होगा ना, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जो होगा ऐसे प्लांट्स में, वो कैसा होगा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लोन्टिक। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, इस तरह की लाइफ साइकिल जैसे जो हमने टाइप देखा है अभी, इस तरह की लाइफ साइकिल जो है वो कहलाती है हैप्लोन्टिक। ठीक है, हैप्लोन्टिक है। मैनी एल्गी, अब एग्जाम्पल दिए हैं, मैनी एल्गी सच इज वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा एंड सम स्पीशीज ऑफ कैलेडोमोनस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। कौन कौन, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा और कुछ स्पीशीज कैलेडोमोनस की रिप्रेजेंट करती है इस पैटर्न को। ठीक है, अब ये पैटर्न स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो फिगर क्या बनाया मैंने, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। ठीक है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न ही पढ़ाया हमने, तो वही बताया मैंने। ये देखो इस तरीके से आपको बनाना है एग्जाम में भी। देखो सबसे पहली बात, ये हैप्लोन्टिक साइकिल है, यहाँ पे गैमेटोफाइट है, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, जायगोट से शुरू करते हैं, जायगोट टू एन था, मियोसिस हुआ हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बन गए। ठीक है, स्पोर्स थे, अब स्पोर्स से आगे क्या बना, गैमेटोफाइट बना, हैप्लॉयड है ये। ठीक है, इसके बाद फिर ये गैमेटोजेनेसिस हुआ इसमें, और फिर सिंगैमी हुआ, मतलब दो अलग अलग गैमेट जो है फ्यूज हुए, फीमेल गैमेट में यहाँ पे फ्यूज हुआ आगे, तो ये वापस से जायगोट बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कौन सी साइकिल थी, ये कौन सा फेज था, ये डिप्लॉयड फेज था, और ये कौन सा फेज था, हैप्लॉयड फेज था, और ये पूरी साइकिल क्या, हैप्लोन्टिक है। ठीक है, ये ए फेज है, ये बी फेज है। ठीक है, क्लियर ही बात। सिंगैमी मतलब पता ही है आपको, सिंगैमी मतलब फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इसको बनाना बहुत जरूरी है, इसको इंपॉर्टेंट है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइफ साइकिल थी, फर्स्ट साइकिल थी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ पैटर्न। अब हम सेकंड जो पैटर्न है वो समझते हैं दोस्तों। अब इसमें जो सेकंड टाइप है वो देखते हैं। सेकंड टाइप है अपना डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। ठीक है, अभी अपने हमने हैप्लोन्टिक समझा, अब हम समझ रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। ठीक है, क्या है, फिगर बाद में बताऊंगा, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं सारी। देखो, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। ठीक है, देखो ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। दूसरे मतलब पहला वाला तो वो था, इसमें क्या है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट होगा ये। ठीक है, देखो ये तो डोमिनेंट होगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। ठीक है, देखो जो प्लांट की फेज है वो डिप्लॉयड होगा और फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट होगा वो। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं ये। ठीक है, The gametophytic phase is represented by the single to few celled haploid gametophyte. देखो gametophytic जो phase है ना, is represented, वो represent कैसे होगा, by the single to few cell, single एक cell या फिर बहुत सारे cell से haploid, बहुत सारे तो ना few cell, कुछ cell से, एक cell या कुछ cell से haploid gametophyte के form में। ठीक है, मैं फिर पढ़ता हूँ इस statement को। The gametophytic phase is represented by the single टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से ये रिप्रेजेंट होगा इसका गैमेटोफाइटिक फेज। इसका गैमेटोफाइटिक फेज कैसे रिप्रेजेंट होगा, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से। ठीक है, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल, इस तरह की लाइफ साइकिल जो है वो कहलाती है डिप्लॉन्टिक। ठीक है, इस तरह की लाइफ साइकिल क्या कहलाती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती है। ठीक है, एंड एल्गा फ्यूकस स्पीशीज रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। एल्गा हो गया एग्जाम्पल, फ्यूकस हो गया, फ्यूकस स्पीशीज हो गई। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं, इस पैटर्न को फॉलो करने वाले एग्जाम्पल्स हैं ये। ठीक है, कौन है, एल्गा है, फ्यूकस स्पीशीज हैं, ये सब इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, डिप्लॉन्टिक पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, इन एडिशन ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में सीड होती है, इसमें नेक्स्ट सीड होती है, इसमें सीड घिरी हुई रहती है ओवरी से, लेकिन सीड तो दोनों में ही है। तो ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न, यही पैटर्न फॉलो करते हैं विद सम वेरिएशन वेयर इन द गैमेटोफाइटिक फेज इन फ्यू टू मल्टी सेल। ठीक है, देखो ज्यादातर जो सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं ना, भले वो जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, वो फॉलो करते हैं इस पैटर्न को, लेकिन विद सम एक्सेप्शन, विद सम वेरिएशन, लेकिन कुछ वेरिएशन होता है उसमें, ये तो फॉलो करते हैं वो, लेकिन कुछ वेरिएशन होता है
वेयरिंग द गैमेटोफाइटिक फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल, जहां पे गैमेटोफाइटिक फेज जो रहता है उनका वो कुछ से कुछ मल्टीसेल तक रहता है, ठीक है, फ्यू टू मल्टीसेल। गैमेटोफाइटिक फेज जो रहता है उनका वो फ्यू सेल का रह सकता है या कुछ मल्टीसेल का रह सकता है, बस ये वेरिएशन है उनमें। बाकी वो जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं वो डिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसमें जो तीसरा पैटर्न है वो हम समझते हैं। तो दोस्तों अब जो तीसरा टाइप है, तीसरी जो साइकिल है वो हम समझते हैं। तीसरी जो साइकिल है वो है हैप्लोडिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉयटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है ये अब हम समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में एक इंटरमीडिएट कंडीशन, इंटरमीडिएट मतलब ना ही हैप्लॉयड है ना ही डिप्लॉयड है, हैप्लोइंटिक भी नहीं है डिप्लॉयटिक भी नहीं है, हैप्लोडिप्लॉयटिक है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉयटिक। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, दोनों ही फेजेस कैसे होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, लेकिन दोनों डोमिनेंट फेजेस में डिफर करते हैं, ठीक है। देखो कमाल की बात है, बहुत ही मजेदार चीज है। देखो सबसे पहली बात, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इनमें ना ही हैप्लोइंटिक साइकिल है ना ही डिप्लोइंटिक साइकिल है, हैप्लोडिप्लोइंटिक साइकिल है इसमें, ठीक है। और दोनों के जो फेजेस है ना मल्टीसेलुलर है, लेकिन वो डिफर करते हैं डोमिनेंट फेजेस में, डोमिनेंट फेजेस उनके जो है वो डिफर करते हैं, लेकिन दोनों ही मल्टीसेलुलर है, ठीक है। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लोइड गैमेटोफाइट। हैप्लोइड गैमेटोफाइट वाला कौन सा फेज है, हैप्लोइड गैमेटोफाइट वाला डोमिनेंट फेज है, और ये कौन सा फेज है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड है, इरेक्ट फेज है, ठीक है, कौन सा, हैप्लोइड गैमेटोफाइट वाला। एंड इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली, डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। और ये जो फेज है ना ये अल्टरनेट करता है, ये स्विच करता है किसके साथ, अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट के साथ ये स्विच करता है टोटली या तो पूरा स्विच करता है और पार्शियली, ठीक, अल्टरनेट करता है या तो टोटली या पार्शियली, पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द डिपेंड, मतलब किस पे निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज, डिपेंडिंग ऑन द गैमेटोफाइट्स फॉर इट्स एंकरेज, गैमेटोफाइट्स फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशन, देखो सिंपल सी बात यह है कि ये जो फेज है ना ये अल्टरनेट करता है किसके साथ, शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक फेज के साथ, या तो टोटली या पार्शियली। और ये चीज ये पार्शियली अल्टरनेट करेगा या ये टोटली अल्टरनेट करेगा, ये चीज डिपेंड करती है गैमेटोफाइट के एंकरेजमेंट पे और न्यूट्रिशन पे, ठीक है। ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है क्योंकि गैमेटोफाइट ही इसे न्यूट्रिशन और एंकरेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इस पे, गैमेटोफाइट पे, ठीक है। All bryophytes represent this phase. सारे के सारे bryophytes जो होते हैं वो इसी phase को represent करते हैं, याद रखना इस चीज को, bryophytes, ठीक है। Algae किसको represent करता है, first वाली cycle, ठीक है। Second वाली cycle को कौन करता है, angiosperm, gymnosperm। Third वाली cycle को कौन कर रहा है, bryophytes और कुछ pteridophytes, लेकिन bryophytes तो सारे ही कर रहे हैं। All bryophytes लिख दिया ना, all bryophytes, लेकिन pteridophytes all नहीं लिखा है, कुछ pteridophytes कर सकते हैं लेकिन bryophytes तो सारे ही करेंगे इस cycle को represent, ठीक है। The diploid sporophyte is represented by dominant independent. अब diploid sporophyte जो है ना, diploid sporophyte, ठीक है, diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body, ठीक है। Diploid जो था, diploid sporophyte जो है वो represent करता है, वो कैसा होता है, वो होता है dominant होता है, independent होता है, photosynthetic होता है और वैस्कुलर प्लांट बॉडी की तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कौन रिप्रेजेंट करता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ठीक है। इट अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट अल्टरनेट करता है किसके साथ, अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट।
शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो यहाँ पे बना था ना यहाँ पे, ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ये वाला पूरी चीज, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जो है वो मतलब एक तरीके से स्विच करता है अपने आप को, ठीक है। देखो इसको इंपॉर्टेंट, इसको दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। इट अल्टरनेट विद द मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इसके साथ अल्टरनेट करता है ये। सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, और इस तरीके का पैटर्न जो है वो हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल पैटर्न कहलाता है, ठीक है। All pteridophytes exhibit this pattern. अच्छा, pteridophytes भी, all pteridophytes के बारे में भी बोला है, तो all bryophytes represent this pattern, all pteridophytes represent this pattern, ठीक है। अब इसके बाद नोट क्या है, interestingly while most algae genera are haploentic, algae ज्यादातर कैसे थे, haploentic थे, फिर diploentic कौन थे, diploentic थे angiosperm gymnosperm, और haplodiploentic कौन है, bryophyte और pteridophyte, ठीक है। ज्यादातर एल्गी कैसे होते हैं, हमें पता है ज्यादातर एल्गी होते हैं हैप्लॉइंटिक, लेकिन सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस पोलिस्फोरा, पोलिस्फोरा और कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉइंटिक। ये कुछ एल्गी ऐसे हैं, एक्टोकार्पस हो गया, पोलिस्फोरा हो गया, कैल्प्स हो गया, ये हैप्लोडिप्लॉइंटिक होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉइंटिक। अच्छा, फ्यूकस एल्गा कैसे होते हैं, हैप्लॉइंटिक होते हैं। कुछ एल्गी यहाँ पे कैसे देखे जो हैप्लोडिप्लॉइंटिक थे, और कुछ एल्गी डिप्लॉइंटिक भी हो सकते हैं, ठीक, और वो है फ्यूकस। फ्यूकस एंड एल्गा इज डिप्लॉइंटिक इन नेचर, ठीक है। अब ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, देखो सिंपल सी बात हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल पैटर्न यहाँ पे बताया है। सबसे पहले शुरू करते हैं कहां से, गैमेटोफाइट से, गैमेटोफाइट एंड था, ठीक है। इसके बाद ये गैमेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है। इसके बाद सिनगैमी हुआ, मतलब यहाँ पे ये गैमेट था, एक और गैमेट इससे आके मिला, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, 2N हो गया। इसके बाद स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट भी कैसा है, 2N है। इसके बाद मियोसिस हुआ, ठीक है, मियोसिस हुआ अगेन, यानी कि रिडक्शन डिवीजन हुआ, तो हाफ होगा, आधे हो गए, स्पोर्स बने, तो कैसे हो गए, एन। यहाँ पे मियोसिस हुआ है ना, मियोसिस हुआ तो कैसे हो गए, एन, और फिर ये अगेन एन आगे बढ़े, तो ये स्पोर्स से गैमेटोफाइट बने, ये भी एन होगा, मतलब हैप्लोइंटिक होगा, ठीक है। तो ये तो हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है, तो हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैसी लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल है, तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो तीनों लाइफ साइकिल हमने देख ली, हैप्लोइंटिक देखी सबसे पहले, फिर डिप्लॉइंटिक देखी, फिर हैप्लोडिप्लॉइंटिक देखी। ये पूरा एक्सप्लेन ऐसे करना है आपको विद एग्जाम्पल एंड विद डायग्राम, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 करेंगे, एनिमल किंगडम, बहुत मजा आएगा, उसमें भी अलग अलग टाइप के एनिमल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।